आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को संपूर्ण भारत वर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हुई। हम सभी धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ेंगे। आप जानते होंगे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में भारतीय सपूतों को शहीद होना पड़ा और तब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। वर्षों से अंग्रेज़ भारतवर्ष पर राज कर रहे थे, लेकिन भारतीय युवकों ने कुर्बानी देकर स्वतंत्रता दिलाई। हम उन्हें याद करते हैं और जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया, संविधान का गठन किया और आज हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज हम विकास की राह पर हैं। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो विकास हो रहा है, कुटीर उद्योग से लेकर बड़े बड़े उद्योग की स्थापना आज भारतवर्ष में हुई है। निश्चित रूप से हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस YouTube के माध्यम से मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी मेहनत करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए युवाओं को भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता होगी। इसलिए आज आप सभी मेहनत करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं उन शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज हम उसी के बदौलत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये भारत का एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है। इस दिन विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय में झंडा फहराया जाता है, झंडा को सलामी दी जाती है और इस दिन बाद विवाद नहीं होना चाहिए और इस दिन हम सभी मिलकर 26 जनवरी को मनाते हैं। खेलकूद की प्रतियोगिता होती है, भाषण की प्रतियोगिता होती है और जो अव्वल करते हैं उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिससे वो अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रख सकें। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा कार्य करने के लिए है जिससे हम अपने आप को समाज में, परिवार में और देश में स्थापित कर सकते हैं। यही कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और आने वाला समय के लिए शुभकामनाओं के साथ सभी भारती को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।